press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज हम खबर लाए हैं सेलिब्रिटी न्यूज। वैलेंटाइन डे के दिन शादी के बंधन में बंधे थे ये सितारे। हम दिखा रहे हैं पूरी लिस्ट। फरवरी का महीना मतलब प्यार और इजहार का महीना, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे सभी प्यार करने वालों के लिए एक बेहद खास दिन होता है, और अपने प्यार से शादी करने के लिए इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है। वैलेंटाइन डे को कुछ लोग प्यार और मोहब्बत का दिन भी बोलते हैं, और अपने प्यार के रिश्ते को शादी में बदलने की सोच रहे हैं तो फरवरी के प्यार भरे मंथ से अच्छा टाइम भला और क्या हो सकता है। ऐसे में बॉलीवुड और टीवी के बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस दिन को शादी करके अपने प्यार की एक नई कहानी लिखी है। तो चलिए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में जो इस दिन बने एक दूसरे के जीवन साथी, संजय दत्त और रिया पिल्लई। संजय दत्त ने गर्लफ्रेंड रिया पिल्लई से गुपचुप तरीके से 14 फरवरी 1998 में मंदिर में शादी रचाई थी। मशहूर मॉडल रिया पिल्लई से संजय दत्त की ये दूसरी शादी थी, मगर ये भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वैलेंटाइन के दिन शादी करने वाले संजय और रिया के रास्ते बहुत जल्दी अलग हो गए। जहां अब संजय ने मान्यता से शादी कर ली है, वहीं रिया ने टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से। अरशद वारसी और मारिया गोरेटी। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने 8 साल के लंबे रिश्ते के बाद मारिया से शादी की। दरअसल अरशद एक कॉलेज डांस फेस्टिवल में जज थे और मारिया कंटेस्टेंट। वहीं दोनों की नजरें मिली और दिल ही दिल में कुछ न कुछ होने लगा। सालों एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 फरवरी 1999 में शादी कर ली थी। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों ने शादी की, फिर निकाह भी पड़ा। इनका एक बेटा और बेटी भी है। राम कपूर गौतमी गाडगिल। टॉलीवुड के आइडल कपल सोनी टीवी के शो घर एक मंदिर की शूटिंग के दौरान ही प्यार में पड़ गए। रिश्ते में आए कई उतार चढ़ाव और घर वालों को मनाने के बाद दोनों ने शादी के लिए 14 फरवरी का ही दिन चुना। हालांकि गौतमी ने इससे पहले मशहूर कमर्शियल फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। रुस्लान मुमताज निराली। धारावाहिक कहता है दिल जी ले जरा में लीड रोल करने वाले रुस्लान मुमताज और निराली की पहली मुलाकात हुई थी शामक दावर के डांस अकेडमी में। संगीत की धुन पर थिरकते थिरकते इनके दिल भी एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, और इस कपल ने 14 फरवरी 2014 को कोर्ट मैरिज कर ली। मंदिरा बेदी और राज कौशल। टीवी की मशहूर एक्टर और होस्ट मंदिरा बेदी ने 1999 में बॉलीवुड डायरेक्टर राज कौशल से शादी कर ली थी। हालांकि पिछले साल राज की हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये रिश्ता एक दुखद अंत के साथ खत्म हो गया। हालांकि मंदिरा इन दिनों अपने बेटी और बेटी के साथ अच्छा समय बिता रही हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।